बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग माय यूट्यूब फैमिली? अल्लाह से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। न्यू वीडियो में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, बहुत मज़े की यूनिक रेसिपी बना रही हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सभी बनाते होंगे अपने घर में, बट मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, प्यारा सा कॉमेंट्स दिया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बस चलें रेसिपी ईजी टू क्विक बनने वाली, जल्दी बनने वाली, झटपट बनने वाली। 5 to 10 मिनट विद इन 10 मिनट में रेसिपी रेडी हो जाएगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बताती चलूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। चले इंग्रेडिएंट्स बता दें टाइम वेस्ट के बगैर। इसमें सबसे पहले जाएगा ऑयल, ऑयल लेंगे 1/2 कप। और इसके बाद इसमें जाएगी ऑनियन, वाइट ज़ीरा लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन लिए, प्याज लिए ये जाएगी, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए ये ऐड होगा, किस किस जगह पर होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये प्यारे से बैगन लिए मैंने, इसको कट करेंगे आपके सामने बताएंगे किस तरह इसको कटिंग करनी है। बाकी ये राई दाना लिया है, ये लिए हरी मिर्ची लिए, ये लिए करी लीव्स लिए मैंने, बहुत मज़े की इसकी खुशबू आती है। और ये लिए सूखी ड्राई मैंने चिल्लीस लिए रेड वाली, ये जाएंगी, इसका एक बहुत मज़े का तड़का रेडी होगा, वो किस तरह से होगा। और ये मैंने लिए कश्मीरी मिर्च लिए, बाकी स्पाइसेस लिए, इस तरह से ऐड होंगे, कहाँ कहाँ ऐड होंगे, किस स्टेज पे ऐड होंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। और मेरी रेसिपी बहुत आसान होती है, घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर के मसालों से मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ। कोई एक्सपेंसिव मेरे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते कि आपको बाहर से लाना पड़ेंगे बहुत महंगे महंगे, नहीं ऐसा नहीं, ना मैं आप लोगों को परेशान करती, माय लवली यूट्यूब फैमिली मैं आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करती। जो मैं खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ, खुद इंजॉय करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस अब हम इसकी बैगन की कटिंग करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह कटिंग करें। और इसको फौरन हम पानी में डिप कर देंगे क्योंकि आपको जैसा पता है कि इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, बहुत आयरन होता है, तो इसको हम रख नहीं सकते, फौरन इसको पानी में डिप करते जाएंगे। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसको करेंगे हम हल्का सा शेक, सॉल्ट और पानी को कर देंगे हल्का सा मिक्स और इस पानी में हम इसको ऐड कर देंगे। नमक डालने का रीज़न ये है कि बस ये काले नहीं होते हैं बैगन, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। बाकी भी मैं इसी तरह से कटिंग करूंगी और सब पानी में डिप कर दूंगी। फिर कटिंग करने के बाद हम आपको मिलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की रेसिपी। बस ये देखिए मैंने सारी माशाल्लाह से कटिंग कर ली है, ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आइए चूल्हे की तरफ। बस ये मैंने एक आदत किया, देख जी फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लूँगी 1/2 कप ऑयल। बस ये 1/2 कप मैंने ऑयल लिए, आप चाहे इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है वरना मैं उसी में ही इसको कुक करती बैगन को। ये लिए वाइट ज़ीरा, ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाह 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। बस ये चटपट होने लगे, अब हमने ये लिए प्याज, स्लाइस प्याज, ये देखिए ऐसे इसको स्लाइस प्याज करनी है बैगन, ये लिए हमने स्लाइस प्याज। इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना ऑनियन को, हमने इसको लाइट ही रखना है, क्रिस्टल वाइट कलर, क्योंकि फिर हमारे बैगन का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और जायका भी ख़राब हो जाएगा, जो मुझे बनाने हैं वो नहीं बनेंगे। बस इसको लाइट करना है, इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है बस मीडियम आंच पे। इसका कलर भी क्रिस्टल हो गया है, नरम हो गया, इसको डार्क नहीं करना है। और इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज, ये टमाटोज इसमें जाएंगे और साथ ही अपने डालेंगे मज़ेदार से करी लीव, ये इसमें जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया जाएगा। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून टर्मेरिक हल्दी, हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, इसमें जाएगी 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्चों का पाउडर, ये ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस ऐड होंगे, हल्का सा इसको करेंगे मिक्स, बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, इसको ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे ताकि हल्का सा अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए, टमाटर का भी और प्याज भी सब यकजा हो जाए, एक जान बन जाए। मैं लूँगी दूसरी तरफ, ये लूँगी मैं मिक्सी का जार, करूँगी मैंने साबुत खोपरा लिया था, इसको मैंने ग्रेटर कर लिया था, ग्रेटर करने कर लिया था। मैं लूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच, बस ये 2 खाने के चम्मच मैंने ये लिए हैं सवा खोपरा, और ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया, इसमें हम लगाएंगे मज़ेदार सा तड़का, इतना ही पानी ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। कितना अच्छा सा मसाला कुक हो गया, मुसलसल मैं चम्मच इसमें हिला रही थी, ऑयल भी आप देखें कितना सेपरेट हो गया,
बस अब ये डालूंगी मैं इसमें जो मैंने कट करके रखे बैंगन, बिस्मिल्लाह इसमें जाएंगे बैंगन जाएंगे, बस इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है, देखें इसमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं है, ऑयल भी है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इसको गलाएंगे भी, इसमें अपना पानी होता है, इसमें मैं हाफ कप पानी डालूंगी, बस इतना ही पानी डालूंगी। इसको अच्छा सा मिक्स किया, हाफ कप पानी डालने के बाद इसको मैं कवर करूंगी लो फ्लेम पे, 5 मिनट बाद फिर आपको दिखाएंगे, तो 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान माशाल्लाह, ये देखिए ऑयल कितना सेपरेट इसका हो गया, हाफ कुक हुए हैं अभी माशाल्लाह से, ज्यादा गले नहीं है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इतना बढ़िया ग्रेवी लग रहा है आपको। और ये दूसरी तरफ जो मैंने लिया था ये बनाया था इसका कोकोनट मिल्क, इसको ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है इसको इस तरह से, और इसको करते रहेंगे मिक्स। इससे बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है, जब आप खाएंगे तो इसमें खुद कोकोनट ऑयल निकलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक खोपरा है कोकोनट है, इसको मैंने लिया है साबुत, इसको ग्रेट किया है, तो इसमें से वैसे ही ऑलरेडी ऑयल निकलेगा। देखें इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे और ये सारा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। अब ये लिए मैंने हरी मिर्ची मोटी, इसको मैं करूँगी बीच में से 2 टुकड़े स्लाइस, इस तरह से करना, ऊपर से इसका टॉप काट दें और इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हम साबुत डाल देंगे एक दो, ये लिया मैंने स्लाइस टमाटर ऊपर से गार्निश करने के लिए, थोड़े से लीव्स और डाल देंगे कड़ी लीव्स, तो बेहद पसंद है ये, इससे बीपी हाई नहीं होता, बीपी कंट्रोल रहता है, इससे बहुत ज़्यादा पेट के जो भी आपके इंटरनल प्रॉब्लम है टमी के वो सब कुछ इससे सॉल्व हो जाते हैं। ज़रूर इस्तेमाल रखा करें, अपना कड़ी पत्ता अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखा करें डेली रूटीन में। बस इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, बाकी का जो रह गया था हमारा इसमें हमने पानी डाला है, और इसको हम करेंगे इसके अंदर ऐड, बस इसको कर देंगे कवर 5 मिनट्स के लिए, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी इसी दौरान अब ये दम पे इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट, इसी स्टेज पे ऐड होगा सॉल्ट, 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा बस ये डालेंगे, क्योंकि भुना भुना बनता है तो इसमें कम ही ऐड होगा। इसको बस प्रेजेंट करेंगे, डिश आउट करेंगे, प्रेजेंट करके आपको बताएंगे, बस ये थोड़ा सा और रेडी हो जाएगा, परफेक्ट रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह 5 मिनट्स हो गए, ये रेडी हो गई है, इतनी ही मुझे ग्रेवी चाहिए थी, ये देखें इतनी ग्रेवी रखनी थी। आप चाहें इसको चपाती के साथ खाएं या वाइट राइस के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। बस इसका तड़का रेडी करते हैं। एक बात आपको बताती चलूं, आप ये हमारी किचन में देखती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाँव में हमारे विलेज में गैस चली गई है, तो अब हमने ये सिलेंडर लगाया है, सिलेंडर आप देख सकते हैं, ये देखें सिलेंडर पर, बट मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊँगी, सिलेंडर पे बनाऊँ या गैस पे, मैं आपको पूरी रेसिपी कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, बस ये 2 खाने के चम्मच ये लिए हैं। ये मैंने लिए मस्टर्ड सीड्स, राई दाना लिया, राई दाना इसमें जाएगा, ये लिया मैंने 1 टीस्पून, ये राई दाना लिया, ये इसमें जाएगा, कुछ लिए मैंने करी लीव्स जाएंगे, जो कि मेरी जान है, फेवरेट है, खानों की जान है। और ये लिए सुर्ख मिर्च, इसकी मैं डंडियाँ नहीं निकाल रही, क्योंकि आपको पता है चटपट होती हैं, तो डंडियाँ इसमें लगी रहेंगी। और ये लिए मज़ेदार कोकोनट, जो हमने बचाया था, ये 1 टेबल स्पून कोकोनट ऐड होगा, ये जाएगा, इसका तड़का रेडी होगा मज़ेदार सा। बस अच्छा सा इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तड़के की, ये देखिए इसकी आँच को हम हल्का करेंगे, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, और इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं, हल्का सा करना है, और इसके ऊपर लगाना है हमने मज़ेदार सा तड़का। डिश आउट करते और आपको दिखाते हैं, देखिए तड़का लग गया मज़ेदार, डिश आउट करते और आपको दिखाते हैं, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, मज़ेदार खुशबू, दिल चाह रहा है बस जल्दी से इसको खाएं, इंजॉय करें। देख रहे ना आप लोग कितना, आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी शौक से खाएंगे, आप अपने हस्बैंड के लिए बनाएगा, बच्चों के लिए बनाएगा और इन्जॉय करेगा। आप यकीन करें जो बच्चे नहीं भी खाते होंगे ना वो भी खाएंगे। मैं इसमें सर्व कर रही हूँ, जैसे हमारे बड़े सर्व करते थे इसी तरह से हम सर्व कर रही है। देखें कितनी बढ़िया रेसिपी लग रही है ना, इतनी ज़बरदस्त बने, मज़ेदार, चटखारेदार, जायकेदार, लाजवाब, ज़रूर बनाएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। एंड तक रेसिपी मैंने आपको बताई, गैस भी चली गई थी हमारे गाँव में, मैंने एंड तक रेसिपी आप लोगों को बताई, आप लोगों के साथ शेयर की, प्लीज़
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें, वीडियो वॉच किया करें, तो माशाल्लाह लाजमी बोला करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। मैं आप सबको हमेशा दुआ में याद रखती हूँ। माई लवली यूट्यूब फैमिली, सबको दुआ में याद रखती हूँ। रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, प्यारा सा कॉमेंट दिया करें। यह आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, अपने ग्रुप्स में मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत दिल से, बहुत प्यार से आप लोगों को बताती हूँ। सारी मदर की रेसिपी आप लोगों के साथ फॉलो करती हूँ हमेशा, जब तक जिंदा हूँ फॉलो करती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जितना मेरे पास खजाना है आपके पास बांटती रहूँगी इंशाल्लाह, जब तक सांस में सांस है, जब तक दम में दम है। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। बस इजाज़त लेते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बस इतना ही कहना, जिए और जीने दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। फी अमानिल्लाह, अल्लाह नेगेबान।